Swayam Prabha, Digital India, Educated India. माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस बिफोर यू चूंकि मैंने माध्यम हिंदी रखा है और यह आपराधिक विधि द्वितीय जिसमें हम सी आर पी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं इस आपराधिक विधि के अंतर्गत जो द्वितीय सेकेंड पेपर है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं उसमें जो पहला मेरा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट वह है अरेस्ट एंड राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे कि अरेस्ट की डिफिनेशन क्या है अरेस्ट कस्टडी में क्या डिफरेंस है और जो अरेस्टेड पर्सन हैं उनके क्या संवैधानिक अधिकार हैं और स्टैच्यूट में विधि के अंतर्गत उनको क्या अधिकार दिए गए हैं यदि गिरफ्तारी अवैध होती है अनलॉफुल होती है तो उस अवैध गिरफ्तारी के पश्चात उनको क्या प्रोटेक्शन दिए गए हैं लॉ में संविधान के अंतर्गत क्या उनको संरक्षण दिए गए हैं सामान्यतः है कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भी अपराध की गिरफ्तार नहीं कर सकता है यह हम सभी बात आ, सभी लोग जानते हैं मैं स्लाइड के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपराधिक विधि के अंतर्गत अपराध को उसके प्रकृति के आधार पर जघन्यता के आधार पर मैग्निच्यूड के आधार पर जो उस कितना हीनियस है कितना गंभीर है कितना गंभीर नहीं है समाज के प्रति उसे चार भागों में बांटा गया है जैसे स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं संघे अपराध असंगय अपराध अजमानती अपराध जमानती अपराध यह अपराध संघे कब होगा अजमानती कब होगा जमानती अजमान हो जमान्त। यह अपराध की गंभीरता के आधार पर भारतीय संसद के द्वारा निर्मित दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है क्लासिफिकेशन किया गया है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो दो शेड्यूल हैं प्रथम अनुसूची द्वितीय अनुसूची संहिता के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत अपराध के विषय में अपराध का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया गया है अपराध जो द्वितीय अनुसूची है संहिता की उस द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत उसके प्रारूप दिए गए हैं जो न्यायालय के आदेश संबंध क्या प्रारूप क्या होगा वारंट का प्रारूप क्या होगा आरोप का प्रारूप क्या होगा प्रारूप के विषय में दिया गया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई को संदेह न हो न तो न्यायिक अधिकारियों के लिए न तो पुलिस अथॉरिटी प्राधिकारी के लिए किसी बात को संदेह न हो संदेह की स्थिति को निवारित करने के लिए यद्यप की धाराओं में भी समन वारंट के कंटेंट को प्रावधानित किया गया है और साथ ही साथ अनुसूची भी इस अधिनियम में संलिंग सन्निहित की गई है वह उसे अटैच किया गया है उसका केवल और केवल उद्देश्य यह है कि हम धारा के माध्यम से समन और वारंट किस धारा में है संघेय अपराध क्या होगा असंघेय अपराध क्या होगा पहले तो हमने उसको दो धारा दो में डिफाइन परिभाषित कर दिया है और उस परिभाषा के अतिरिक्त भी हम अनुसूची के माध्यम से एक सप्लीमेंट्री लिस्ट दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से प्राधिकारी अथॉरिटी चाहे वह पुलिस हो या न्यायालय न्यायाधीश हो किसी प्रकार का संदेह उन्हें किसी भी स्थिति में न हो यह अनुसूची के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है छात्रों के मस्तिष्क में बात स्वाभाविक है आना कि जब धारा में सम्मान वारंट की बात की गई है धाराओं में अपराध को परिभाषित किया गया है तो प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में अतिरिक्त रूप से इसे प्रावधानित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आवश्यकता केवल और केवल इसलिए पड़ी कि हम धारा के माध्यम से न्यायालय के आदेश संबंध अथवा वारंट को तो दिखाए ही हैं अपराध की परिभाषा भी दिए हुए हैं धारा दो क ख के के अंतर्गत साथ ही साथ हम प्रथम अनुसूची में एक विस्तृत लिस्ट बना करके सूची बना करके एक में अपराध का नाम दूसरे में अपराध की प्रकृति का नाम तीसरे में अपराध संगे असंगे किस न्यायालय के द्वारा विचारणी है मैक्सिमम पनिशमेंट दंड कितना होगा यह दिया गया है जिससे भी जिससे कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अरेस्ट के दौरान गिरफ्तारी के दौरान यह संदेह न हो कि जो अरेस्ट करने जा रहा है वह संगे अपराध है उसमें उसको अथॉरिटी है अरेस्ट करने का नहीं है यह सारी बातें द्वितीय अनुसूची में भी स्पष्ट कर दिया गया है इसलिए धाराओं के अतिरिक्त सूचियाँ भी अनुसूचियाँ भी शेड्यूल भी इसमें दो शेड्यूल दिए गए हैं प्रथम और द्वितीय शेड्यूल यह हमने उसकी उपयोगिता की बात की अब आते हैं गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार स्लाइड के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आप सभी जानते होंगे भारतीय संविधान की अर्टकिल इक्कीस है इक्कीस में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से बिद द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं इंग्लिश में यदि उसको बात करें तो उसमें जो अंग्रेजी के शब्द यूज किए गए आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत वह लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाई लॉ मीनिंग देयर बाय बाई नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई द लॉ उसको अगर नकारात्मक रूप में लें तो भारतीय संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रावधानित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं इसका तात्पर्य हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है यदि विधि में प्रावधान किया गया है तो अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है मृत्यु कारित की है तो वह हत्यारा है और उसे जीने का अधिकार नहीं है कानून ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं देती जो किसी की हत्या किया हुआ इसीलिए आप देखें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा वह मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा अर्थात यहां पर जो 302 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है वह आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जो व्यक्ति के जीने की गारंटी दी गई है कि व्यक्ति को जीने की गारंटी है वह उसके प्राण की स्वतंत्रता उसे किसी भी स्थिति में उसे जीने का अधिकार होगा जीने की स्वतंत्रता होगी राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता या कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता लेकिन व्यक्ति के जीने की जो गारंटी है संविधान भी उस स्थिति में नहीं प्रदान करता यदि वह व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है यदि वह व्यक्ति हत्यारा है तो उसको भी जीने का अधिकार नहीं है वह तीन के अंतर्गत इसे उसे दंडनीय बनाया गया है कि हत्या के हत्यारे के लिए भी हम उसे फांसी की सजा दे सकते हैं उसके जीवन को समाप्त किया जा सकता है या उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है एक जगह भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह जीने की गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है उसकी दायिक स्वतंत्रता है उसे आने जाने की स्वतंत्रता है साथ ही साथ उसी संविधान के आर्टिकल इक्कीस में लिखा हुआ है कि यह जीने की गारंटी उस स्थिति में नहीं होगी यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो तो इस स्थिति में यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है ब्रीच ऑफ लॉ किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 भी उसकी कोई मदद नहीं करती है यहां से हम अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को गिरफ्तारी के कॉन्सेप्ट को कस्टडी के कॉन्सेप्ट को लेते हैं कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से क्यों वंचित किया जा सकता है क्या ऐसा व्यक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस का संरक्षण का दावा कर सकता है यह निर्दोष व्यक्तियों के लिए जो सदाचारी व्यक्ति हैं समाज में सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनको भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस प्रोटेक्शन देता है संरक्षण प्रदान करता है परंतु जो कानून को तोड़ता है उसे संविधान के आर्टिकल इक्कीस किसी प्रकार से कोई भी मदद सहायता नहीं करेगी तो अब आते हैं गिरफ्तारी को अरेस्ट को देखते हैं कि गिरफ्तारी की परिभाषा क्या है व्हाट इज अरेस्ट ई अरेस्ट गिरफ्तारी क्यों और गिरफ्तारी की परिभाषा क्या है यद्यप की दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस के अंतर्गत अरेस्ट को परिभाषित नहीं किया गया है परंतु गिरफ्तारी से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल लिबर्टी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से डिप्राइव करना वंचित करना यह गिरफ्तारी माना जाए या किसी भी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता को प्राधिकारी के द्वारा वंचित करना यह गिरफ्तारी कहलाएगा अर्थात गिरफ्तारी के अंतर्गत प्राधिकारी वर्ड यह महत्वपूर्ण है जैसे यदि लुटेरा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर दृष्टांत के रूप में इसको समझें यदि लुटेरा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पकड़ता है वह उसे पकड़ लेता है तो क्या हम बोलेंगे कि डकैत या लुटेरे ने उसको अरेस्ट किया है गिरफ्तार किया है नहीं वहाँ पर हम अरेस्ट व शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे वहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हुई है हम उसको गिरफ्तारी शब्द यूज नहीं कर सकते हैं अर्थात जब प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकारी का मतलब जहाँ पर कानून ने लॉ ने किसी को एथराइज किया हुआ है प्राधिकृत किया हुआ है वह डिटेन करने के लिए उसको पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित करने के लिए वहां पर प्राधिकारी के द्वारा पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना यह गिरफ्तारी कहलाता है अरेस्ट कहलाता है इसको स्पष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस है इसमें रोशन बेबी बनाम गृह सचिव तमिलनाडु राज्य में रोशन बेबी वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ तमिलनाडु इस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि गिरफ्तारी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना प्राधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना गिरफ्तारी कहलाता है अरेस्ट के अंतर्गत कस्टडी भी सम्मिलित है परंतु प्रत्येक कस्टडी प्रत्येक अभिरक्षा अच्छा गिरफ्तारी नहीं होता प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा अच्छा सम्मिलित है परंतु अभिरक्षा कस्टडी अरेस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसा कि मैंने दृष्टांत के माध्यम से बताया यदि प्राधिकारी नहीं है लुटेरा अगर किसी की अभिरक्षा में लुटेरे ने किसी को कन्फाइन कर लिया है सदोष उसको दोषपूर्ण तरीके से पकड़ लिया है तो वह उसकी अभिरक्षा में हो सकता है परंतु वह गिरफ्तार नहीं हुआ अरेस्ट नहीं हुआ है इसलिए गिरफ्तारी के लिए अथॉरिटी का होना लॉ के द्वारा प्राधिकार का दिया जाना आवश्यक है जब प्राधिकारी के द्वारा विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कानून तोड़ने कानून के उल्लंघन की दशा में या संदेह की स्थिति में उसको उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है तो यह अरेस्ट गिरफ्तारी कहलाएगा तो गिरफ्तारी अरेस्ट शब्दावली को डिफाइन नहीं किया गया परंतु धारा छियालीस के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा 46 के अंतर्गत अरेस्ट हाउ मेड गिरफ्तारी कैसे की जाएगी तरीके बताए गए हैं कि इन वॉट मैनर अरेस्ट सेल बी मेड किस तरीके से गिरफ्तारी की जाएगी तरीके बताए गए हैं यह तरीके इसलिए बताए गए हैं कि जिससे पुलिस अथॉरिटी पुलिस प्राधिकारी अपने उस पावर का दुरुपयोग न कर पाए मिस यूज न कर पाए इसलिए उस धारा छियालीस के अंतर्गत अरेस्ट कैसे की जाएगा किया जाएगा यह बताया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ऐसे अभियुक्त को अभियुक्त के शरीर को स्पर्श करेगा छुएगा यह शब्दावली भी यूज की गई धारा छियालीस के अंतर्गत कितना बल प्रयोग करेगा यह धारा छियालीस के अंतर्गत 46 के अंतर्गत भी बताया गया है अर्थात गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अभिक्त को स्पर्श करेगा उतना बल प्रयोग करेगा जितना कि उसे अरेस्ट करने के लिए गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक है अब देखते हैं कि अपराध के प्रकृति के आधार पर नेचर के आधार पर अरेस्ट किसमें मैंडेटरी है किसमें आज्ञापक है प्राधिकारी प्रत्येक स्थिति में गिरफ्तार कर ही लेगा और किन अपराधों में पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है जैसा कि छात्र जानते होंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध की जघन्यता के आधार पर दो भागों में उसे वर्गीकृत किया गया है वे अपराध जो समाज के लिए ज्यादा हानिकर हैं ज्यादा जघन्य हैं उनमें पुलिस को न्यायालय के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं है बिना न्यायालय के आदेश या वारंट के पुलिस ऐसे व्यक्ति को जो जघन्य अपराध किया है जिसका समाज के प्रति ज्यादा जघन्यता है उस जघन्य अपराध की स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है ऐसे अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा टू सी दो ग के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की संज्ञा दी गई है संज्ञेय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के आदेश या वारंट गिरफ्तार कर सकती है इतनी ही परिभाषा धारा टू सी में धारा टू ग में संघे अपराध की दी गई है इसको मैं पुनः रिपीट करता हूं आप इसको देखें संजे अपराध की परिभाषा संज्ञे अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है अपराधों मतलब प्लेटफॉर्म है कई अपराधों उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में संज्ञे अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के आदेश या वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अर्थात अब संहिता की प्रथम अनुसूची में देखना होगा कि प्रथम अनुसूची में किन किन अपराधों को संज्ञे बनाया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 में 511 सौ धा ग्यारह धाराएँ हैं भारतीय दंड संहिता में परिभाषित तो वे अपराध जैसे चोरी है मर्डर है लूट है डकैती है ये अपराध सामान्यतः हम जैसे सुनते हैं वैसे अगर ला ग्रेजुएट भी ना हो तो भी व्यक्ति कह सकता है कि मर्डर हुआ है इसका मतलब जगन बड़ा अपराध है डकैती है लूट है उसको नहीं मालूम है कि रॉबरी लूट की किस धारा में है किस में है परंतु ये अपराध का नाम लेते ही मानव मस्तिष्क में उसकी जघन्यता के प्रति आभास हो जाता है कि अपराध कितना जघन्य होगा उसी आधार पर कानून भी विधायिका ने भी उस जघन्यता को ध्यान में रखते हुए पुलिस को यह अधिकार दे दिया है कि न्यायालय के आदेश की न्यायालय के वारंट की बिना इंतजार किए हुए ऐसी स्थितियों में ऐसे अपराध के घटित होने में तुरंत अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए उद्देश्य क्यों ऐसा न्यायालय के आदेश या न्यायालय के वारंट की बाध्यता पुलिस पर नहीं रखी गई उद्देश्य इसका यह है कि जब न्यायालय का आदेश लिया जाएगा जब न्यायालय के वारंट को लिया जाएगा न्यायालय के आदेश आने तक अभियुक्त घटनास्थल से इतना दूर चला जा सकता है पुलिस की पहुंच से बाहर हो सकता है पुलिस कभी उस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और अपराध का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा अन्वेषण नहीं हो पाएगा और जब व्यक्ति अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होगा गिरफ्तारी के पश्चात वह साक्ष्य एकत्रित नहीं पुलिस कर पाएगी तो उस अपराध का पर्दाफाश करना उस अपराध में अभियुक्त को सजा दिलाना यह पुलिस प्रशासन के लिए बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने न्यायालय के आदेश या वारंट की बाध्यता को समाप्त करते हुए पुलिस प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान किया कि जहाँ पर भी संघीय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस को मिलती है इतला मिलती है एफ आई आर किया जाता है या परिवाद किया जाता है कि अमुक स्थान पर संघेय अपराध घटित हुआ है उसी क्षण उसी सेकेंड पुलिस प्राधिकारी बिना न्यायालय के आदेश उस अभियुक्त अपराधियों को गिरफ्तार कर सकता है और न्यायिक अभ्यक्षा या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है तो संघेय अपराध की जो डिफिनेशन दी गई है धारा टू ग के अंतर्गत उस धारा दू अंतर्गत परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मात्र संघेय अपराध की सूचना होना संघेय अपराध की सूचना पुलिस को देना दर्ज कर देना पुलिस को एक प्रकार से सी के द्वारा लाइसेंस दिया गया है कि पुलिस ऐसे अभियुक्त अभियुक्तों को बिना न्यायालय के आदेश के तत्काल तुरंत गिरफ्तारी करते हुए कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई कर सके यह संघेय अपराध का रिजल्ट है अब यह बात तो स्टैच्यूट के प्रथम अनुसूची में दिया गया कि संघेय अपराध की स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के वारंट या आदेश की गिरफ्तार कर सकती है लेकिन अगर हम यह परिभाषा ले मैन के रूप में जानना चाहें मैं ला ग्रेजुएट नहीं हूँ अगर आप किसी आपको आपसे पूछता है कि संघीय अपराध क्या है और वह व्यक्ति ला ग्रेजुएट नहीं है उसको नहीं मालूम कि सी में प्रथम अनुसूची है कितनी धाराएँ हैं तो वह क्या किस बात को समझ सके कि संघीय अपराध क्या है इस बात को स्पष्ट सरल भाषा में बताने के लिए सरंग संघेय अपराध की परिभाषा कैसे देंगे वह इस रूप में दे सकते हैं कि संघेय अपराध से तात्पर्य साधारणतः उन अपराधों से है जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं मैं पुनः उसको रिपीट करता हूं संगय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध होते हैं अब इतनी बात कह देने से कोई भी व्यक्ति जो ला ग्रेजुएट नहीं है वह भी समझ पाएगा कि संघीय अपराध का मतलब हो गया कि वे अपराध जो किसी भी आईपीसी के अंतर्गत या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत मृत्युदंड या जीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं वे संघेय अपराध हैं और उसमें पुलिस बिना किसी न्यायालय के आदेश या वारंट गिरफ्तार कर सकती है यह जो तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है यह मैंने सरल परिभाषा सरलतम परिभाषा संज्ञेय अपराध की देने का प्रयास आपको किया और उस परिभाषा में मैंने एक एडजेक्टिव एक विशेषण जोड़ा है कि वे अपराध जो साधारणतया मृत्युदंड आजीवन कारावास और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होते हैं यह साधारणतया जो एग्जेक्टिव विशेषण जोड़ा गया है इसका मतलब है कि यह एक अपवाद की भी बात कर रहा है नाइन्टी मामलों में यह सब मेरी परिभाषा सत्य है एक परसेंट अपवाद भी हो सकता है वह अपवाद यह है कि कारावास अधिक हो सकता है परंतु उस अपराध वह अपराध समाज के लिए इतना ज़्यादा हानिकार नहीं है तो उसे संज्ञेय न बनाते हुए उसे असंग्य बना दिया जाए और जमानती बना दिया जाए उदाहरण के तौर पर दुई विवाह का मामला बाइगेमी मैं इस दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा और सभी छात्र इस रूप में समझ पाएंगे कि बाइगेमी द्विविवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है जो 494 आईपीसी की धारा है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई भी पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए अपनी पत्नी के जीवन काल में अथवा अपने पति के जीवन काल में किसी अन्य पत्नी या पुरुष से विवाह करेगी या करेगा वह दुई विवाह का अपराध करेगा और उसे सात वर्ष तक की सजा हो सकती है सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है इट मीन की जो बाइगेमी है उसको अपराध घोषित किया गया है 494 नाइन्टी फोर आईपीसी के अंतर्गत परंतु संहिता जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में बाइगेमी को संगे अपराध नहीं दिया गया मैक्स पनिशमेंट इसमें सात वर्ष सात वर्ष है तीन वर्ष से ज्यादा है मैंने अभी जो परिभाषा बताई वह परिभाषा इस इस मामलों में एक परसेंट अपवाद ऐसे हैं जहां पे कि अपराध के कारावास के आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं वह संहिता के प्रथम अनुसूची में सात वर्ष का कारावास होने के बावजूद भी बाईगेमी वह संज्ञेय अपराध नहीं है वह असंगे बनाया गया है और अपराध जमानती भी बनाया गया है इसलिए बाईगेमी के एफ होने में परिवाद होने में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्त को पुरुष को या स्त्री को गिरफ्तार नहीं कर सकती है असंगे मामले में इसलिए ये बात बहुत ध्यान से देनी है कि बाईगेमी सात वर्ष के कारावास के बावजूद भी उसमें पुलिस बिना न्यायालय के आदेश अरेस्ट नहीं कर सकता है गिरफ्तार नहीं कर सकता है वहीं पर दूसरी तरफ चोरी का मामला है थेप्ट चोरी में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है धारा तीन सौ के अंतर्गत वह तीन वर्ष का कारावास है चोरी के मामलों में तीन वर्ष का अधिकतम कारावास और बावजूद चोरी को सी के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संगे अपराध दर्शित किया गया है तीन वर्ष का कारावास होने के बावजूद भी वह अपराध संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है अर्थात अभी जो मैंने परिभाषा बताई कि वे सभी अपराध जो तीन वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय हैं संजे माने जाते हैं चोरी जबकि तीन अवस्त तक के कारावास से दंडनीय है और उसके बावजूद भी वह संज्ञा बनाया गया तो मेरे कहने का मतलब है कि परिभाषा आपको दोनों याद रखनी है जो संहिता के धारा टू ग में दिया गया है और जो मैंने प्रथम अनुसूची का अवलोकन करने के पश्चात मैंने ये जो परिभाषा आपको बताई कि यह सामान्यतः समानता का मतलब है कि कहीं कहीं एक अपवाद की बात होगी और वह अपवाद एक परसेंट है नाइन्टी नाइन परसेंट मृत्युदंड आजीवन कारावास और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध को संज्ञे प्रथम सूची में बनाया गया है एक परसेंट जो उदाहरण मैंने बताया बाईगेमी जैसे मामले हैं द्विविवाह जैसे मामले हैं कि द्विविवाह सात वर्ष का कारावास है फिर भी वह संज्ञे नहीं है उसे असंग्ञे बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि अब इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का जो वर्गीकरण है कि संज्ञेय अपराध किसे कहेंगे और असंज्ञेय अपराध क्या है यह आप सभी समझ चुके होंगे इसके पश्चात आते हैं जमानती और अजमानती अपराध इसमें मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है तो जमानती अपराध को धारा टू क में परिभाषित किया गया है सी, सी की धारा टू क के अनुसार टू ए के अनुसार जमानती अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसमें अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है अभियुक्त अपने जमानत की अधिकार पूर्वक मांग कर सकता है अब ये परिभाषा जो धारा टू क के अंतर्गत परिभाषा दी गई कि जमानती अपराधों से तात्पर्य बेलेबुल ऑफेंस से तात्पर्य उन ऑफेंस से उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शित किया गया हो तो सबसे जो विशुद्ध परिभाषा है इसको भी लिखें जो सीआरपीसी में दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा टू क के अनुसार जमानती अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और जिसमें अभियुक्त जमानत की मांग अधिकार पूर्वक कर सकता है ये परिभाषा संहिता की हो गई अब संहिता की प्रथम अनुसूची का जब हम अवलोकन करेंगे पूरी धाराओं को देखेंगे प्रथम अनुसूची का अध्ययन करेंगे उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं और अपने सरल भाषा में जमानती अपराध की परिभाषा दे सकते हैं बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा दे सकते हैं वह परिभाषा ये है कि जमानती अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जो भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य अन्य दंड विधि के अधीन तीन वर्ष के कम के कारावास से दंडनीय अपराध घोषित किए गए सबसे जो सिंपलेस्ट डिफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा यह है कि वे अपराध जो आईपीसी या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय बनाए गए हैं वे जमानती अपराध माने जाएंगे आईपीसी या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत अन्य दंड विधि जैसे मैंने आप सभी जानते होंगे एक टाडा कानून बनाया गया था टाडा भी दंड कानून है पोटा बनाया गया पोटा भी दंड कानून है ऐसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हम पढ़ते हैं रासुका अखबार न्यूज़पेपर में देखते होंगे उस माध्यम से आप देख रासुका कानून बना हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन्नीस सौ अस्सी में इंदिरा गांधी की द्वारा बनाया गया था हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन्नीस सौ अस्सी बनाया गया जिसको एन एस ए बोलते हैं साठ में संक्षेप में एन एस ए नाइनटीन एट्टी रासुका नाइनटीन एट्टी ये दंड कानून है इन दंड कानून के अंतर्गत जो अपराध की प्रकृति है वह भी संज्ञेय बनाया गया होगा और आप देखेंगे उस कानून को पढ़ेंगे तो उस वह अपराध वहाँ पे जो होगा रासुका के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिस भी किसी भी अभियुक्त के ऊपर लगाई जाती है उसमें पुलिस को यह पावर तुरंत मिल जाता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अरेस्ट करने का बिना न्यायालय के आदेश के तो वह भी संघेय अपराध है रासुका राष्ट्रीय स्वेक्षा कानून के अंतर्गत भी और अजमानती अपराध है सामान्यतः उसमें जमानत नहीं मिलती है जब तक अन्वेषण कंप्लीट ना हो जाए या उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाए उसमें तो साधारणतः जमान, जमानत नहीं होती दो बातें क्लियर हो गई संघीय अपराध क्या है जमानती अपराध क्या है वे अपराध जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शित किया गया हो अथवा वे अपराध जो अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनी हैं, जमानती अपराध कहे जाते हैं तो अब नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है अजमानती अपराध क्या है वे अपराध जो संहिता के प्रथम अनुसूची में अजमानती अपराध के रूप में दर्शित किए गए हों अर्थात हमारी संहिता की जो प्रथम अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल है उसमें अपराध को यदि जमानती दिखाया गया है तो अथॉरिटी जमानती मानेगी अगर अजमानती अपराध दर्शित किया गया है तो उसे अजमानती अपराध माना जाएगा और सरलतम जो परिभाषा उसकी अजमानती अपराध का है संहिता के प्रथम अनुसूची का यदि अवलोकन करें अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अजमानती अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय सभी अपराध सामान्यतः अजमानती अपराध माने जाते हैं मैंने पुनः इसमें सामान्यतः वर्ड जोड़ा मैं बार बार अपने क्लास में सब छात्रों को बताता रहता हूँ कि जो सामान्यतः शब्द है कि जनरली इसका मतलब है कि वह एग्जेक्टिव एक विशेषण है वह कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करता है अपवाद की बात करता है एक्सेप्शन की बात करता है और वह एक परसेंट भी अगर अपवाद है तो इसका मतलब है कि नाइन वो हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकता है नाइन्टी नाइन परसेंट यह सत्य है कि मृत्युदंड या जीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय जो अपराध होते हैं वे अजमानती अपराध हैं परंतु एक परसेंट जो उसका अपवाद है एक्सेप्शन वह भी है कि तीन वर्ष से अधिक के कारावास के होने के बावजूद भी वह अपराध जमानती हो सकता है अवेलेबल हो सकता है अगर संहिता की प्रथम अनुसूची में उससे जमानती विधायिका के द्वारा दर्शित किया गया है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि बाइगेमी द्विविवाह का जैसे मामला है बाईगेमी में पनिशमेंट सात वर्ष का है बावजूद उसके वह अवेलेबल है पति जेल गया तो उसको बेल पर छूटने का अधिकार है पत्नी अगर बाईगेमी में जेल गई है तो उस पर बे, को बेल पे आने का अधिकार है बेल पर समानतर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि यह द्विविवाह का अपराध समाज के लिए इतना बड़ा हानिकार नहीं है कि उससे अभियुक्त अगर बाहर रहेगा तो वह समाज के लिए खतरा है या वह पुनः उस प्रकार के किसी की मर्डर कर सकता है या हत्या कर सकता है यह इतना गंभीर अपराध नहीं है इसलिए बाईगेमी के मामलों में कारावास तो सात वर्ष का है बावजूद उसके उसके जो प्रकृत नेचर है उसको जमानती बना दिया गया है कि इस स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि अपनी गारंटी दे रहा है उसकी तरफ से कोई गारंटी ले रहा है कि हम इसको न्यायालय में लाएंगे पुलिस में सहयोग करेगा तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए यह इसके पीछे तर्क है लॉजिक है तो मैं समझता हूँ कि संघे और असंग अपराध जमानती और अजमानती अपराध के मध्य अंतर इस स्लाइड के माध्यम से और मैंने जो बताया प्रथम अनुसूची का अवलोकन करने के पश्चात आप सभी लोग यह परिभाषा के आधार पर अंतर स्थापित करने में सफल होंगे और निश्चित रूप से जब तक ये संज्ञय असंघय जमानती अजमानती अपराध का परिभाषा फाउंडेशन न्यू नहीं मजबूत होगी तब तक पूरी सीआरपीसी का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आवश्यक है कि संघेय अपराध क्या है असंघे अपराध क्या है जमानती क्या है अजमानती क्या है हम इसके विषय में जमानती और अजमानती अपराध के विषय में जो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है डिफिनीशन तो मैंने बताया कि वे अपराध जो तीन वर्ष अधिक के कारावा से दंडनीय अजमानती अपराध होंगे जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनी है एक दिन के कारावास से लेकर के तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं वे सभी अपराध जमानती अवेलेबल ऑफेंस माने जाते हैं ये तो उसका डिफिनेशन हो गया अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जमानती अपराध की स्थिति में अभियुक्त अपने बाहर होने का अपने को बेल पर छोड़े जाने का जमानत के लिए अधिकारपूर्वक मांग कर सकता है और जमानती अपराध की स्थिति में अथॉरिटी के द्वारा पुलिस के द्वारा या न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना बाध्यकर है पुलिस या न्यायालय के समक्ष यदि जमानती अपराध का अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जाता है या अपने आप को सरेंडर करता है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ाएगा शैल शब्दावली जो धारा फोर थर्टी सिक्स जमानत वाली धाराओं में लिखा हुआ है शैल शब्दावली वर्ड यूज की गई है इसलिए विधायिका की मंशा रही होगी कि शैल शब्दावली या मे शब्दावली यदि यूज की जा रही है किसी धारा में तो निश्चित रूप से शैल शब्द का मतलब और मे शब्द का जो लिटरल मीनिंग है शाब्दिक अर्थ है यह विधायिका जानबूझ करके डिलिबरेटली धारा चार के अंतर्गत जमानती अपराध किए जाने की कि स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाएगा ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल ये शब्दावली धारा 436 में लिखा हुआ है वहीं पर अजमानती अपराध किए जाने की कि स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकेगा मे बी रिलीज तो धारा फोर जो अजमानती अपराध में जमा जमानत की बात करती है उस धारा 437 के अंतर्गत मे शब्दावली यूज किया गया है इसका मतलब है कि कोर्ट मे रिलीज द एक्यूज और मे नॉट रिलीज द एक्यूज कोर्ट न्यायालय अभियुक्त को बेल पर छोड़ भी सकती है नहीं भी छोड़ सकती है बट धारा 436 में जमानती अपराध किए जाने की स्थिति में अभियुक्त यदि न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है वहां पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाएगा शैल बी रिलीज शब्दावली यूज की गई है तो ये ध्यान में रखना है दोनों को यहीं पर परिभाषा पढ़ते पढ़ते इस चीज़ को भी ध्यान रख लें कि जमानती सब में जमानत कैसे अभियुक्त जमानत की दावा कर सकता मांग कर सकता है अधिकारपूर्वक और फोर थर्टी सेवन में अधिकारपूर्वक मांग नहीं कर सकता है यह क्यों कर क्यों नहीं कर सकता है ये दोनों अंतरधाराओं के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है तो ये हो गया अरेस्ट इन प्रकार के अपराधों में गिरफ्तारी कैसे होगी अरेस्ट कैसे होगा संगे असंगय जमानती अजमानती इस, स्थिति में अब इसके पश्चात आते हैं गिरफ्तारी अरेस्ट पुलिस के द्वारा बिना वारंट या वारंट सहित कैसे किया जाएगा दूसरी स्लाइड जो मेरी है स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अरेस्ट जो है विदाउट वारंट हो सकता है अरेस्ट विथ वारंट हो सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट किन परिस्थितियों में होगा स्लाइड के माध्यम से आप देखें और अरेस्ट विथ वारंट किन मामलों में होगा मैंने लिखने का प्रयास किया है पहले देख लें कि अरेस्ट विथ वारंट गिरफ्तारी वारंट सहित किस मामलों में होगी स्लाइड के माध्यम से देखें असंगे और, और जमानती मामलों में अभी मैंने जैसे बताया कि जमानती अपराध क्या है असंगे अपराध क्या है यह जो छोटे अपराध है छोटे बड़े का अंतर मैंने क्या बताया संगे और संगे में उसका जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है दंड की मात्रा के आधार पर मैंने बताया कि अपराध छोटा है या बड़ा है तो इस जमानती अपराध में असंगे अपराध की स्थिति में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना न्यायालय के आदेश के बिना न्यायालय के वारंट के वारंट शब्दावली मैं यहीं पर संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा वारंट न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया एक आदेशिका है जिसका उद्देश्य अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित कराना होता है तो समन भी न्यायालय का एक आदेश है वारंट भी न्यायालय का आदेश है अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यायालय किस मामले में समन जारी करेगा किस मामले में वारंट जारी करेगा यह मैंने जैसा कि आप सभी जानते होंगे समन केस भी है वारंट केस भी है उसमें अलग अलग स्थितियों में अभी केवल यहाँ इतना समझना है कि वारंट न्यायालय के आपराधिक न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में जारी किया गया एक आदेशिका है जो अभियुक्त को सशरीर न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार कर प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया जाता है वारंट में अभियुक्त का नाम एज उसके द्वारा किया गया अपराध किए गए अपराध की तारीख समय इत्यादि का उल्लेख होता है तो उस वारंट को जो न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया एक प्रकार का ऑर्डर है वारंट इज एन ऑर्डर इशूड बाई द कोर्ट न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया आदेश को लेकर के पुलिस उस अभियुक्त की तलाश में जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वारंट न्यायालय के द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया एक प्रकार से अथॉरिटी है लाइसेंस है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे अब इसको देखते हैं जो बिना वारंट गिरफ्तारी अरेस्ट यह तीन धाराओं के अंतर्गत है, धारा फोर्टी वन धारा फोर्टी थ्री धारा फोर्टी फोर धारा फोर्टी वन के अंतर्गत धारा इकतालीस के अंतर्गत उन कंडीशन की उन परिस्थितियों की बात की गई है जिन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के वारंट के अभियुक्त को कभी भी कहीं से गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन 41 वन सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो पुलिस को यह अथॉरिटी प्रदान करती है प्राधिकार प्रदान करती है कि पुलिस धारा इकतालीस में वर्णित किए गए किसी भी दशाओं में धारा इकतालीस के अंतर्गत जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के विद्यमान होने पर पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त को या व्यक्तियों को अभियुक्तों को न्यायालय के बिना वारंट या आदेशिका के गिरफ्तार कर सकती है वही स्थितियां क्या हो सकती हैं मैं एक एक करके व्याख्या करने का प्रयास करूंगा धारा फोर्टी के अंतर्गत वे किन दशाओं में पुलिस बिना वारंट अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकेगी धारा इकतालीस के अंतर्गत जो पहली स्थिति है जो फर्स्ट कंडीशन है वह यह है कि संजे अपराध की घटित होने की स्थिति में जिस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध संघे अपराध किए जाने की इतला मिली है पुलिस को या संघे अपराध करने से वह संबद्ध रहा है या संजे अपराध किया है या संजे अपराध करने वाला है करने वाला है संघे अपराध मात्र इस आशंका के आधार पर भी पुलिस प्रिवेंटिव डिटेन कर सकती है अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है जिससे कि संजे अपराध के घटित होने को रोका जा सके तीन स्थितियां मैंने बताई या तो अभियुक्त संघे अपराध में संबद्ध रहा हो एक महीने पहले दो महीने पहले संघे अपराध हुआ हो और उसका नाम आया हो बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में या पुलिस को सूचना मिली है कि अभी व्यक्ति संघेय अपराध से जुड़ा रहा है या संघे अपराध कर चुका है पुलिस को लगता है पुलिस चौराहे पर बैठी हुई उसके सामने कोई संघेय अपराध कर दिया है मर्डर हो जाता है तो मर्डर की स्थिति में पुलिस को पावर है कि उस हत्यारे को तुरंत अरेस्ट कर ले बिना न्यायालय के आदेश बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के न्यायालय के आदेश इंतजार किया जाए कि न्यायालय के आदेश को लाके तब हम हत्यारे को अरेस्ट करेंगे तब तक हत्यारा पुलिस प्रशासन से बहुत दूर चला जाएगा और पुलिस उसमें उस न्यायालय के आदेश के पश्चात कुछ नहीं कर इसलिए विधायिका के द्वारा ऐसे संघीय अपराधों में पुलिस को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार करने की पावर दी गई है यह उसकी लाजिक है आप सभी को यह समझना है तो संघीय अपराध की स्थिति में संघीय अपराध किया गया हो या संघीय अपराध हो रहा है संघीय अपराध हुआ है घटित हुआ है उस स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है या संघीय अपराध होने वाला है ऐसी पुलिस को आशंका मिली पुलिस को सूचना मिली है तो पुलिस उस स्थिति में भी संघीय अपराध की रोकने के लिए रोकथाम के लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को गिरफ्तार कर सकती है संघीय अपराध जिससे कि संघीय अपराध को घटित होने से रोका जा सके धारा फोर्टी के अंतर्गत पहला जो स्लाइड के माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने पास चुराई हुई संपत्ति रखता है कानून मानती है कि वह व्यक्ति या तो चोर है या तो चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखा हुआ है ऐसी स्थितियों में भी पुलिस बिना न्यायालय के आदेश बिना न्यायालय के वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है तीसरा देखें ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको भी पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है हम इसको साधारण भाषा में बोले भगोड़ा अपराधी जिसको कभी कभी हम समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से अगर आप देखते होंगे तो होता होगा कि अमुक व्यक्ति ने हत्या किया मर्डर किया है अब हत्या करने के पश्चात वह पुलिस अरेस्ट करने के लिए जा रही है लेकिन पुलिस के हाथों नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थितियों में उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया जाता है उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है अटैच किया जाता है उस सम संप, उसकी संपत्ति की कुर्क किया जाना उसको भगोड़ा घोषित किया जाना उसके पीछे जो लॉ का इंटेंशन क्या है दंड कानून का जो आशय क्या है वह आशय केवल और केवल यह है कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने के लिए कंपेल करना विवश करना इसलिए यह उसको उद्घोषित होना भगोड़ा घोषित करना उसकी संपत्ति को कुर्क करना सेल करना अटैच करना यह तरीके सारे न्यायालय की आदेशिकाएँ हैं अटैचमेंट है कुर्की है सेल है उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाना ये सब न्यायालय के द्वारा निर्गत की गई आदेशिकाएँ हैं जिसका उद्देश्य है अभियुक्त को कंपेल करना विवश करना कि न्यायालय के समक्ष अपने आप को वह सरेंडर करे उपस्थित करे जिससे कि उस अपराध के किए जाने की स्थिति में ट्रायल प्रारंभ हो सके बिछाण प्रारंभ हो सके जब तक अभियुक्त उपस्थित नहीं होगा अरेस्ट नहीं होगा तब तक ट्रायल प्रारंभ नहीं होगा और जब तक बिचाण प्रारंभ नहीं होगा तब तक उस मामले में दोषी या निर्दोष होने के विषय में न्यायालय अपने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है और जो अपराध पीड़ित परिवार है उसके प्रति उस अभियुक्त से बदला लेने की भावना शांत नहीं होगी इसलिए पीड़ित परिवार अपराध पीड़ित परिवार के प्रति जो प्रतिशोध की भावना है बदले की भावना कम करने के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता राज्य ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम उस मामले को सभी उसमें सभी सहयोग राज्य के द्वारा दिया जाएगा अपराध पीड़ित केवल और केवल उस अपराध की सूचना देने के पश्चात उस अंतिम इंजाम तक उसका इंतजार करे कि अभियुक्त को कैसे सजा स्टेट दिलाता है तो इसलिए अरेस्ट आवश्यक गिरफ्तारी आवश्यक इसलिए है कि ट्रायल प्रारंभ हो अभियुक्त गिरफ्तार हो और जिससे कि विचारण प्रारंभ हो और कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसका निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जा सके और लोगों का न्याय के प्रति न्यायपालिका के प्रति विश्वास कायम रहे यह अरेस्ट इसलिए गिरफ्तारी इसलिए आवश्यक है और गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में बिना वारंट आवश्यक है ये मैंने बताया उद्घोषित होने की स्थिति में सेना का कोई भगोड़ा है जो सेना आर्मी से भागा हुआ व्यक्ति है उसको भी पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है ये धारा फोर्टी के अंतर्गत है जो जिस व्यक्ति को धारा तीन के अंतर्गत प्रोबेशन पर छोड़ा गया है परवीक्षा पर छोड़ा गया है वह परीक्षा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है सामान्यतः सीआरपीसी के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वे व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं और उन्होंने हत्या या मृत्युदंड मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध कर दिया है तो ऐसी स्थितियों में उन्हें जिला सुधार गृह का दोष साबित होने पर उन्हें जिला सुधार गृह में रखा जाता है और जेल में न रखते हुए जिला सुधार गृह में रखा जाता है और दोषी यदि उनका दोष साबित हो गया कि हत्यारा है चूँकि किस वर्ष से कम आयु का है अभी इसका पूरा जीवन बचा है इसलिए ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उसे दंडित न करते हुए सजा न देते हुए न्यायिक निगरानी में जिसको हम परवीक्षा बोलते हैं उसे छोड़ दिया जाता है और उसे निगरानी रखी जाती है प्रतिदिन एक सर रजिस्टर सर्विलांस रजिस्टर होता है जिस रजिस्टर के माध्यम से उसे उसके संबंधित थाने में उसको अटेंडेंस देनी है कि वह अब अभी उसी अपनी लोकल्टी में है सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहा है प्रोबेशन अधिकारी उसके लिए नियमित किए गए हैं प्रोवेश प्रोवेशन अधिकारी भी न्यायालय को रिपोर्ट करते हैं कि इस व्यक्ति का जितने भी जिले में छोड़े हुए प्रोबेशन पर अभियुक्त हैं उनका जी वह डेली डे दे टू डे उनकी रिपोर्टिंग हो रही है वे लोग गुड कंडक्ट हैं सदाचार जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये सदाचार का ऑब्जेक्ट है लेकिन यदि उसकी किसी कंडीशन को पुनः उसी प्रकार का अपराध कर देता है तो ऐसी स्थितियों में न्यायालय के आदेश के बिना भी पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना न्यायालय के आदेश के अरेस्ट कर सकता है और उसे पुनः जेल भेज सकता है यह धारा फोर्टी के अंतर्गत दिया गया है तो सेक्शन फोर्टी के अंतर्गत उन गंभीर स्थितियों के विषय में बात की गई है जिसमें पुलिस बिना न्यायालय के वारंट आदेश के गिरफ्तार कर सकता है यह धारा फोर्टी वन इकतालीस हो गई दूसरा इसमें देखें प्राइवेट व्यक्ति को भी अरेस्ट करने का पावर दिया गया धारा रहते हैंतालीस फोर्टी थ्री सी आर पी सी के अंतर्गत परंतु मैं छात्रों से भी प्राय कहता रहता हूं कि जो शब्दावली यूज की गई है फोर्टी थ्री के अंतर्गत कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी अभी हमने देखा कि गिरफ्तारी के लिए अथॉरिटी का होना जरूरी है और अथॉरिटी के लिए जो है वह लॉ किसी व्यक्ति को एथराइज किया हुआ हो प्राधिकारी हो वह व्यक्ति अगर किसी को होल्ड करता है पकड़ता है तो हम उसे गिरफ्तारी की संज्ञा देते हैं परंतु यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि प्राइवेट व्यक्ति भी कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है उसे गिरफ्तार कर सकता है अरेस्ट कर सकता है यह धारा 30 सी आर पी सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा फोर्टी थ्री यह प्राइवेट व्यक्ति को एथराइज की हुई है तैंतालीस प्राइवेट व्यक्ति को प्राधिकृत की है कि किस समय ऐसा कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समक्ष कोई संज्ञेय अपराध किया जा रहा है दो चीज़ें हैं संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध किए जाने की कि स्थिति में समाज का कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उस अपराधी उस व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है गिरफ्तार कर अपने पास नहीं रखेगा गिरफ्तार कर पुलिस को हैंड करेगा यह अधिकार प्राइवेट व्यक्ति को क्यों दिया गया जब पुलिस प्रशासन है सीआरपीसी सी के अंतर्गत यह तर्क और केवल और केवल तर्क कितना ही है कि विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक देश कितना भी समृद्धशाली क्यों न हो जाए आर्थिक रूप से कितना भी शक्तिशाली राष्ट्र क्यों न हो लेकिन किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है कि वह हर व्यक्ति या हर घर पर पुलिस की पुलिस प्रशासन की पुलिस प्रशासन की नियुक्ति कर सके राष्ट्र कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न क्यों न हो लेकिन उसके लिए संभव नहीं है कि वह हर परिवार हर घर के पास एक पुलिस गार्ड की स्थापित की सुरक्षा मुहैया करा सके इसलिए समाज के लोग भी सामाजिक सामाजिक सुरक्षा की भावना से आगे आ सकें एक व्यक्ति दूसरे की जानमाल की रक्षा कर सके इस भावना के तहत इस दांडी कानून के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति को भी अरेस्ट करने का पावर दे दिया गया है यही उसका तर्क है यही उसका लॉजिक है तो मैं समझता हूं कि धारा फोर्टी के अंतर्गत भी आप यह समझ गए होंगे कि प्राइवेट व्यक्ति भी न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ़्तार कर सकता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे समक्ष कोई व्यक्ति मर्डर करने का प्रयास कर रहा है तो मुझे कानून अधिकार दिया धारा तैंतालीस के अंतर्गत कि मैं उसको पकड़ूं और पुलिस के हवाले कर दूं समाज का आपको भी राइट दिया गया है या आपको कभी भी लगता है ऐसे गली मोहल्ले या चौराहे पर कि आपके समक्ष कोई व्यक्ति बड़ा जघन्य अपराध करने वाला है तो आप उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर सकते हैं और कभी भी यह कार्य अपराध नहीं होगा प्रायः इस प्रकार की समस्याएं इस पर पूछी जाती हैं धारा तैंतालीस पर जो प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में उस तरह से उसको मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि जैसे क के द्वारा दृष्टान के माध्यम से क राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहा होता है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समझ ख जो कि ग को तलवार लेकर के ग की पीछा कर रहा होता है क को ऐसा प्रतीत होता है कि ख हाथ में तलवार लेकर के ग का पीछा कर रहा होता है और क राष्ट्रीय राजमार्ग पर ख को पकड़ लेता है और पकड़ने के दौरान हाथापाई करने के दौरान ख राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर जाता है उसके सर में चोट आ जाती है और तत्पश्चात बाद में उसको एक ही घंटे आधे घंटे बाद मालूम होता है कि वास्तव में वह वा किसी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है और ख इसलिए फिल्म की शूटिंग का वह पार्ट हिस्सा था जिसमें उसको ये रोल दिया गया था कि ख तलवार लेकर के ग का पीछा करेगा और फिल्म की शूटिंग आगे कैमरामैन वाले भी आ जाते हैं परंतु तब तक वह ख ने ख को धक्का देकर के पकड़ने के दौरान धक्का दिया और गिर गया चोट आई अब उसकी सर फट गया चोट आ गई अब वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति चोटग्रस्त व्यक्ति यदि ख क के विरुद्ध वाद लायक दायर करता है एफ आई आर करता है तो ख अपने वाद में सफल नहीं होगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जिस धारा का बचाव ले सकता है वह धारा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट तथ्य की भूल का बचाव कि मैंने सद्भावपूर्वक पूरी उचित सावधानी और सतर्कता के साथ मुझे पूरा विश्वास था कि यह व्यक्ति उसको तलवार से मारने वाला है इसलिए कानून के अंतर्गत मुझे धारा तैंतालीस के अंतर्गत प्रावर दिया गया है कि मैं इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूँ उसी दौरान मैं यह कार्य जब कर रहा था तो मेरे कार्य से यह क्षतिग्रस्त हुआ जैसे ही मामला न्यायालय के समक्ष आएगा न्यायालय ऐसे व्यक्ति को वहीं पर दोषमुक्त करते हुए उसे छोड़ देगी यह बात इसको इस तरह से समझना है समस्या कैसे लिखना है पीसीएस की परीक्षाओं में ए की परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब इस जो समस्या मैंने बताई इसमें क के विधिक दायित्व की विवेचना करें तो इसको लिखेंगे प्रस्तुत समस्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 और भारतीय दंड संहिता की धारा 76 पर आधारित है धारा तैंतालीस पर आधारित कैसे है इसको लिखेंगे 76 आईपीसी पर कैसे आधारित है उसके चीरे कंटेंट को लिखेंगे धारा छिहत्तर के अंतर्गत लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष किन किन तथ्यों को साबित करना है वह धारा छिहत्तर के आवश्यक तत्व को लिखेंगे समस्या आपका पूरा का पूरा लेख यह रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे निश्चित रूप से इस पर कोई लीडिंग केस है, उस केस को डालें आपका आंसर कंप्लीट होगा समय अभाव के कारण मैं इसको बहुत कोरिलेट नहीं कर सकता और समय अभाव के कारण हम सबको इसी पर केवल कंसाइज करन करना है कि अरेस्ट किन किन परिस्थितियों में बिना न्यायालय के आदेश हो सकता है परंतु जब एक चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके जो अतिरिक्त चीज़ें भी हैं उससे जो कनेक्टेड हैं अन्य कानून में भी उस चीज़ें हैं सीआरपीसी है तो हम आईपीसी की बात ज़रूर करेंगे संविधान देश की सर्वोच्च विधि है हम उसकी बात जरूर करेंगे और ज़रूर करना चाहिए तभी हम कभी तभी यह व्याख्यान और छात्रों के लिए भी हितकर होगा इस चीज़ को इस तरह से उल्लेख करना इसके पश्चात एक ऐसी परिस्थिति है जब मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है वह धारा चवालीस है फोर्टी फोर है धारा दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा चवालीस फोर्टी फोर यह मजिस्ट्रेट को भी पावर देती है कि उसके समक्ष यदि कोई अपराध होता है तो उस अपराध के घटित होने की स्थिति में मजिस्ट्रेट भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अरेस्ट कर सकता है तो ये हो गई आ, कुछ जो कंडीशन मैंने बताया कि किन परिस्थितियों में बिना न्यायालय के वारंट बिना न्यायालय के आदेश अभिक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी लोग इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी समझ पाने में समझ हो समर्थ होंगे कि क्या क्या मैंने अभी बताया है ये हो गया अरेस्ट के विषय में गिरफ्तारी गिरफ्तारी क्यों किन परिस्थितियों में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा किसके द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी अरेस्ट पुलिस के द्वारा बिना वारंट के प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी कब होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा बिना न्यायालय के आदेश की गिरफ्तारी कब होगी इन धाराओं का उल्लेख करने के पश्चात अब आते हैं गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है स्लाइड के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आप स्लाइड को देखें मैंने बाइफरकेट किया है कि गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार है गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार है फिर नीचे मैंने लिखा है कि अपने पसंद के अधिवक्ता से विधिक परामर्श करने का अधिकार है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार है यह एक जो अरेस्टेड पर्सन का जो राइट है इसको मैं विस्तार से एक एक करके बताने का प्रयास करूँगा आप सभी के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके क्या क्या राइट हैं अधिकार हैं संविधि के अंतर्गत और भारतीय संविधान के अंतर्गत एक जो आपराधिक विधि का सिद्धांत है वह है निर्दोषिता की उपधारणा प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न हो जाए इस निर्दोषिता की उपधारणा के तहत प्रिजम्शन ऑफ इनोसेंस के तहत एक गिरफ्तार व्यक्ति को भी वे सभी अधिकार हैं जो मानव होने के नाते एक मानव को प्राप्त हैं सिवाय उन अधिकारों को भ्रमण की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ अधिकारों को छोड़कर के गिरफ्तार व्यक्ति को वे समस्त बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं जो एक मानव को मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त हैं उसको भी जीने का अधिकार है उसको भी भोजन का अधिकार है उसको भी अपने को बचाव कराने का अधिकार है ये सभी जो अधिकार मानव अधिकार एक मानव होने के नाते मानव को अधिकार प्राप्त है यह गिरफ्तार व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त है UH! इसलिए मात्र गिरफ्तारी होने से वह व्यक्ति गिरफ्त मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता मात्र व्यक्ति गिरफ्तार हो जाने से व्यक्ति मानव की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाता सभी मानवाधिकारों से वंचित नहीं हो जाता इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विधायिका के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों को भी वे संरक्षण प्रदान किए गए जिससे कि उनके बुनियादी अधिकारों का उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्राधिकारी के द्वारा न किया जा सके और यदि गिरफ्तारी के पश्चात एक वर्ष पश्चात छः महीने पश्चात दो वर्ष बाद हम जैसा कि देखते हैं मीडिया के माध्यम से आप जानते होंगे अखबार प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कि जब आता है कि गिरफ्तारी के एक वर्ष बाद दो वर्ष बाद गिरफ्तारी के दस वर्ष पश्चात न्यायालय ने ऐसी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा दिया तो अवैध गिरफ्तारी ठहराने के पश्चात जो गिरफ्तार व्यक्ति था उस पिछले दस वर्षों का पिछले पाँच वर्षों की भरपाई किस रूप में करेगा इसके लिए भी कानूनी प्रावधान है और वह प्रतिकर कंपनसेशन स्टेट से भी प्राप्त कर सकेगा जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने गिरफ्तार किया होगा उनके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कभी कभी इस प्रकार के समाचार भी आते हैं हमको लगता है कि हम कहानी बात बता रहे हैं लेकिन जब अखबार के माध्यम से और हम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह समझ देख, देख देख पाते हैं कि किसी व्यक्ति को एक पाँच वर्ष तक गिरफ्तार किया गया जेल में रखा गया और जब पाँच वर्ष बाद आया तो न्यायालय ने पाया कि यह तो साक्ष्य था ही नहीं एविडेंस था ही नहीं और जो गिरफ्तारी हुई थी वह गिरफ्तारी अवैध थी इलीगल थी ऐसी अवैध गिरफ्तारी को अब जो पीड़ित व्यक्ति है पीड़ित परिवार है उसके जो इेपरेबल लाश हुआ है जो उसकी अपूर्णीय क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति की भरपाई कैसे किया जाए यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी इसलिए है कि जो पुलिस प्राधिकारी है वह स्टेट के बिहाग पे काम कर रहा था और राज्य के प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी होगा स्टेट भी उसके लिए लाइबिलिटी होगी यद्यप कि राज्य तो प्रतिकर देगा लेकिन राज्य अपना जो प्रतिकर देगा वह उस पुलिस अधिकारी से जिसने गर, अवैध गिरफ्तारी किया है उसके वेतन से उतनी कटौती करता है ये प्रावधान प्रोसीजर है उसकी चर्चा बाद में करेंगे पहले यहाँ पर देखें कि जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके अधिकार क्या हैं सभी छात्रों को इस संक्षेप में जो गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार हैं पहले देखें कि गिरफ्तार व्यक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है यह जानने का अधिकार उसका संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार भी है संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है ऐटलीस्ट ही मस्ट बी इन्फॉर्म दैट ऑन अनहड ग्राउंड ही वॉज अरेस्टेड किस किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया यह उसका मौलिक अधिकार है विधिक अधिकार इसलिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा पचास यह अधिकार प्रदान करती है कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति यह पूछ सके गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी से जान सके कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है धारा पचास दूसरी तरफ प्रत्येक अरेस्टिंग ऑफिसर पर गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर यह विधिक बाध्यता द्रोपित करती है कि वह बताए कि किस आधार पर उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तो धारा 50 के अंतर्गत दो बातें की गई हैं एक तो हो गया कि राइट right टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार है दूसरी तरफ पुलिस प्राधिकारी पर भी यह बाध्यता द्रोपित की गई है कि वह बताए संसूचित करे कि वह किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है और वह उसका अपराध जमानती है या अजमानती है यदि बेलेबुल ऑफेंस है तो पुलिस से बताए कि उसका अपराध बेलेबुल है और उसे जमानत प्राप्त करने का अधिकार है गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार यह संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी है और सीआरपीसी का सेक्शन 57 के अंतर्गत भी दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की संवैधानिक बाध्यता है प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है यदि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसकी गिरफ्तारी असंवैधानिक मानी जाएगी और न केवल असंवैधानिक मानी जाएगी यदि गिरफ्तारी असंवैधानिक घोषित कर दी गई तो ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ऐसे अरेस्टिंग ऑफिसर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत सदोष परिरोध के लिए सदोष परिरोध का मुकदमा भी लाया जा सकता है तो ये अनलाफुल अरेस्ट की रेमेडी क्या है मैंने ये भी बताया निःशुल्क सहायता का अधिकार आठ के लिए केस तीन सौ के अंतर्गत दिया गया है स्लाइड के माध्यम से आप इसको देखें और इस पर केस जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि राइट टू फ्री लीगल एड दांडिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 प्रत्येक गिरफ्तार अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता निर्धन व्यक्ति को जो अपना अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष एंगेज नहीं कर सकता उसको फ्री लीगल एड की बात कर सकती है राज्य के खर्चे पर ऐसे निर्धन व्यक्ति को जिसने अपराध किया है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया कराया जाएगा ऐसा क्यों है ये उसी उपधारणा के तहत प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समय साबित न कर दिया जाए इसी उपधारणा के तहत निर्दोष व्यक्ति को भी निर्धन व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है राइट टू फ्री लीगल एड धारा तीन सौ तीन सी के अंतर्गत राइट टू लीगल एड है छात्र को जाना यह जरूरी है कि राइट टू लीगल एड एंड राइट टू फ्री लीगल एड दोनों अलग अलग बातें हैं राइट टू लीगल एड की बेनिफिशरी अलग है कोई भी व्यक्ति इसमें अमीर निर्धन गरीब सब आ सकते हैं राइट टू लीगल एड विधिक सहायता प्रदान करने का अधिकार कोई भी मामला बिना एडवोकेट के हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने रुचि के अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार प्रदान करता है इसलिए स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता कि तो अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखें जो कुछ इसमें मैंने केस लॉ लिखा है भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम एम एस हॉस्कॉड वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर की केस में यह निर्णय किया गया कि राइट टू फ्री लीगल एड दैट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल 21 वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये केस मैंने वही लिखे हैं जो सबसे पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित किए गए हैं तो सर्वप्रथम एम एस हॉस्कॉट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए आई आर नाइनटीन की केस में राइट टू फ्री लीगल एड को रिकोगग्नाइज किया गया यह क्वेश्चन कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता प्राय पूछा जाता प्रारंभ पी सी जे और ए की प्रारंभिक परीक्षा में या पी सी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया निर्धारित किया गया तो यह केस है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार दूसरा राइट टू स्पीडी ट्रायल है गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि स्पीडी ट्रायल हो किस केस में कहा गया हुसैन आरा खातून वर्ष स्टेट ऑफ बिहार या यार 1978 सेवेंटी एट तीसरा मैंने इसमें लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलाफुल अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध गिरफ्तार किया गया है तो वह गिरफ्तार व्यक्ति यदि महसूस करता है कि गिरफ्तारी अवैध है तो अपनी गिरफ्तारी की वैधता को वह सीधे उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका के माध्यम से वह उच्च सीधे उच्चतम न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे सकता है आ, ये भी प्रोटेक्शन आर्ट दिया गया है इस पर कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं जो गिरफ्तारी से संबंधित हैं सबसे महत्वपूर्ण वाद जो मैं मेंशन करना चाहूँगा इसमें डी के वसुस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए आई आर नाइनटीन डी के वसु का केस उच्चतम न्यायालय के द्वारा अरेस्ट के संदर्भ में यह पुलिस पूरे भारत में पूरे भारत के पुलिस प्रशासन के लिए एक मिरर का काम है दर्पण का कार्य करता है जिस प्रकार से दर्पण में हम अपना फेस देखते हैं उसी प्रकार से भारतीय पुलिस के लिए डीके के बसु का केस एक दर्पण का कार्य है कि अरेस्ट के दौरान यदि डीके के बसु की गाइडलाइन का कंप्लायंस नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना हुई है मानहान हुई है उस डी के बसु की केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के द्वारा किन किन दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा पुलिस प्राधिकारी किन किन बातों को ध्यान रखेगा उस डी के बसु की केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उन्नीस में पहली बार दिशा निर्देश दिए गए हैं जैसा कि मैं कुछ इसके दिशा निर्देश गाइडलाइंस उधर करना चाहूंगा कि अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए और गिरफ्तारी के गिरफ्तारी के दौरान पुलिस किन किन बातों को ध्यान रखेगी अन्यथा वह उच्चतम न्यायालय की न्यायिक अवमानना मानी जाएगी पहला कि प्रत्येक गिरफ्तारी गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को संसूचित करेगा किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना प्रदान की जाएगी कि जिससे कि वह उसको उसके टार्चर न कर पाए या उसका एनकाउंटर न कर पाए इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया कि उसके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार की तत्काल सूचना प्रदान करे दूसरा ऐसी गिरफ्तारी का अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा और स्थानीय जो नागरिक हैं दो व्यक्तियों के उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे जिससे कि यह साबित हो सके कि अभियुक्त किस समय गिरफ्तार हुआ किस तारीख पर गिरफ्तार हुआ तारीख और समय गिरफ्तार हो जाने से जो 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बाध्यता है पुलिस के लिए वह भी आवश्यक है इसलिए यह गाइडलाइन दी गई कि पुलिस के लिए अरेस्ट मेमो तैयार किया जाएगा उसमें अभियुक्त का नाम पता उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति किस तारीख को किया गया अपराध और अरेस्ट का जो टाइम है उसमें गिरफ्तारी का समय भी शो किया जाए और ये समय इसलिए पहले प्राय ऐसा देखा गया कि टाइम शो नहीं किया जाता था अभियुक्त का और टाइम तब शो पुलिस करती थी जब अभियुक्त से सारे साक्ष्य ले लेती थी उसके बाद उसका टाइम जो है वो उसमें शो करती थी और तब एफ आई आर करती थी जिससे कि वो चौबीस घंटे के बाद तब न्यायालय में आकर के प्रस्तुत करती थी और प्राय इस मामले में पुलिस की अनवांटेड अरेस्ट अनलाफुल अरेस्ट और पुलिस की जो एट्रेसिटीज़ थी पुलिस का उत्पीड़न था यह इतना बढ़ गया था कि उच्चतम न्यायालय को यह हस्तक्षेप करते हुए यह दिशा निर्देश देना पड़ गया कि अद्यप कि कानून है कानून में प्रोटेक्शन दिए गए हैं बावजूद उसका कंप्लायंस पुलिस सही तरीके से नहीं कर रही है और जब यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन दे देगी इस दिशा निर्देश का अनुपालन पुलिस के द्वारा नहीं किया जाएगा तो उसके लिए एक न्यायिक अवमानना का भी होगा तो एक ये जो कुछ गाइडलाइंस दी गई मैंने जैसा कि बताया अरेस्ट मेमो का तैयार किया जाना गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा नामित व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना का दिया जाना गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अधिकार दिया जाना गिरफ्तारी से चौबीस घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का अधिकार ये सब डी के वसु की केस में दिया गया जोगिंदर कुमार की केस एक इस इसमें दिया हुआ है जोगिंदर कुमार वस स्टेट ऑफ यूपी पी नाइन्टी का केस है जिसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा फर्स्ट टाइम पहली बार किया गया कि गिरफ्तार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना पावर टू अरेस्ट गिरफ्तार की शक्ति का होना यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस किन किन आ, सावधानियों को बरतेगी यह जोगिंदर कुमार वराव स्टेट ऑफ यूपी की केस में किया गया नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा ए आई की केस बहुत इंपॉर्टेंट है नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा ए आई इसमें पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ पुलिस कस्टडी में डेथ होने के अगेंस्ट जो है कैसे प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है उस पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार 1993 में एक केस के माध्यम से यह निर्णय किया कि यदि पुलिस अभिरक्षा में कोई मौत हो रही है तो ऐसी स्थिति में मृतक परिवार के सदस्य को अधिकार होगा प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह स्टेट का या राज्य का दायित्व तो है कि वह पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों को रोके और इसमें नीलावती बेहरा की केस में उसके एक पुत्र को नीलावती बेहरा के पुत्र को इकलौते पुत्र को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी उसी रेलवे ट्रैक पर पाई गई पुलिस ने यह माना कि पुलिस ने यह माना कि वो बच्चा पुलिस स्टेशन में आया था उसे पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन उसके बाद वह कहाँ गया पुलिस जाने से लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के माध्यम से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साक्ष्यों के माध्यम से पाया कि उसे अंदरूनी बच्चे को अंदरूनी चोटें थी उस अंदरूनी चोटों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस कस्टडी में उसके उसके लिए उसको टार्चर किया गया और यह मानते हुए पुलिस अभिरक्षा में डेथ हुई है इसलिए जो अपिलार्थी है जो अपिलार्थी मृतक की माँ नीलावती बेहरा उसको वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डेढ़ लाख रुपया नाइन्टी थ्री में प्रतिकर प्रदान करने का संबंधित राज्य सरकार को निर्देशित किया गया हम ये मान सकते हैं कि राइट टू गेट कंपनसेशन इन कस्टोडियल डेथ पुलिस अभिरक्षा में मृत होने पर प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नाइन्टीन में पहली बार रिकग्नाइज किया गया ये तीन केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है इसके अतिरिक्त भी मैंने जैसा कि बताया कि यदि गिरफ्तारी अवैध होती है अनलाफुल गिरफ्तारी होती है तो अनलाफुल गिरफ्तारी की स्थिति में जैसे न्यायालय के द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गिरफ्तारी अवैध है वैसे ही वह व्यक्ति पुलिस प्राधिकारी के विरुद्ध न केवल आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर सकता दायर कर सकता है सदोष परिरोध का रंगफुल कन्फाइनमेंट का अपितु वह उस पुलिस प्राधिकारी से प्रतिकर प्राप्त करने का भी अधिकारी है कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकता है उसके लिए अलग से कोई कंपनसेशन का वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है उसी एक ही मामले में जो क्रिमिनल केस है उसी क्रिमिनल केस में वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पीड़ कर सकता है कि चूंकि न्यायालय के द्वारा इसमें उसको बरी कर दिया गया दोषमुक्त कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया है इसलिए जब यह गिरफ्तारी अवैध ठहरा दी गई तो जो भी उसे छः महीने दो महीने गिरफ्तार किया गया था उस दो महीने छः महीने एक वर्ष जितनी भी अवधि का वह डिटेंशन अनलाफुल था उतनी अवधि का वह कंपनसेशन प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्रतिकर प्रदान किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इन व्याख्या इस व्याख्यान के माध्यम से अरेस्ट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार उस पर महत्वपूर्ण वाद, इन वा, वादों के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग इस व्याख्यान से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे यदि इतने तत्व यदि आप अपने मुख्य परीक्षा में लिखें पी एस सी और ए की परीक्षा में लिखें मेरा पूरा फोकस रहता है न्यायिक परीक्षाओं के लिए तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रदेश की परीक्षा में यह इस टॉपिक पर अरेस्ट और राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन से संबंधित समस्त कंटेंट को लिख पाएंगे और मुने मैंने पूरा प्रयास किया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की इम्पोर्टेंट केस है उसको इतने केस जरूर लिखें इसके पश्चात लिखते हैं तो ये आपका अपना है परंतु तो इस केस को लिखने के पश्चात निश्चित रूप से आप उस परीक्षा में सफल होंगे मुझे इसका पूरा विश्वास है थैंक यू धन्यवाद